नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। आदिवासी सरना समिति के द्वारा एक दिवसीय महाधरना का आयोजन राजभवन के समीप किया गया है, तो सीधा आपको अजय तिर्की से रूबरू करवाते हैं और बताते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, इसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, आदिवासी का सामाजिक धार्मिक जिस तरह से धरने से लूटा जा रहा है, उसी के लेकर के आज राजभवन के समक्ष उनके प्रांगण में हम लोग एक दिवसीय महाधरना दे रहे हैं। इस धरना के माध्यम से हम राज्यपाल महोदय की ये कहना चाहते हैं कि आदिवासी के जितने भी सामाजिक धार्मिक जमीन है जो धरने से लूटा जा रहा हो, उसके लिए एक ठोस नियम कानून बने, ताकि इस तरह का गलत काम करने के लोग 10 बार सोचे। जिस तरह से आप देखे होंगे, चाहे करमटोली का मामला हो, चाहे कटरू का मामला हो, चाहे पोखरटोली का मामला हो, चाहे नामकोम का मामला हो, चाहे जहाँ जहाँ का भी मामला हो, हर जगह पर आदिवासी का सामाजिक धार्मिक जमीन को लूटा जा रहा है। और ये स्पष्ट है कि आदिवासी के पास जब तक सामाजिक धार्मिक जमीन है, तब तक वो आदिवासी समाज जीवित है। जिस दिन आदिवासी का जमीन खत्म हो जाएगा, उसी दिन श्वेता आदिवासी खत्म हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आदिवासी का सामाजिक धार्मिक जमीन लूटने के लिए। और मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि जो भी अगुवाएं जो होती हैं आदिवासी सामाजिक धार्मिक जमीन बचाने के लिए, उसे तरह तरह का बदनाम भी किया जाता है और षड्यंत्र रच के उसको बदनाम करने का प्रयास भी किया जाता है। लेकिन आपको मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि कितना भी षड्यंत्र रहते, कितना भी बदनाम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं, ना झुकेंगे। हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हो जाता, तब तक हम लोग आंदोलन चरणबद्ध तरीके से करते रहेंगे। आपको नहीं लगता कि प्रशासन बहुत बड़ा हाथ है? देखिए, प्रशासन का जो बात कहें तो प्रशासन क्या करती है नहीं करती है, किसी भी आम पब्लिक से छुपा हुआ नहीं है। जमीन दलालों से मिल करके प्रशासन के लोग खेला करते हैं और जमीन दलाल को ही सपोर्ट करते हैं। ये शुरू से देखा जा रहा है कि पूंजीपतियों को समर्थन करती है, साथ देती है। देखिए, हम लोग राज्यपाल को अभी ज्ञापन देंगे और राज्यपाल के बाद फिर हम लोग मुख्यमंत्री से हम लोग एक आध हफ्ता के अंदर मिलेंगे और मुख्यमंत्री महोदय के हेमंत सोरेन जी को भी हम लोग अवगत कराएंगे। और ये हमें आशा और उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारे साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा, इसका हमें पूरी आशा और उम्मीद है। देखिए, आदिवासी क्या है कि आदिवासी का सबसे पहला चीज़ कि लोन का कोई प्रावधान नहीं है, और हम लोग लोन के लिए भी कुछ नियम बनाए हुए हैं जो कि मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे कि लोन दिया जाए आदिवासी को, जमीन को मॉर्गेज लोन। और उसके बाद जमीन का जब लोन मिलेगा तो श्वेता, जब पूंजी आएगी तो श्वेता बिजनेस और धंधा व्यापार करेंगे लोग, और आने वाले दिन में जमीन बेचने से बचेंगे लोग। और जमीन जब नहीं बिकेगी तो आदिवासी की संस्कृति, सभ्यता, भाषा, कल्चर सब चीज़ बचेगा। इसी पे हम लोग रूपरेखा को तैयार करते हुए हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे और आशा और उम्मीद भी ये है कि हम लोग को कि यहाँ का जो मुख्यमंत्री है कि न्याय करेगी। तो जैसा कि इनका कहना है कि आदिवासी लोग बहुत भोले भाले होते हैं और इनकी ज़मीन को लूटा जा रहा है, तो इसलिए इन लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया है। रांची से सहयोगी सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज, जीएन भारत। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।